कसरावद विधायक सचिन यादव ने आज कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। मशीन के लगने से अब मरीजों को एक्सरे के लिए इंदौर खरगोन नहीं जाना पड़ेगा। महामारी के समय विधायक सचिन यादव ने एक अभियान चलाकर जन भागीदारी से कसरावद विधानसभा को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर वन पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट कसरावद तहसील में ही शुरू किया गया था। आज कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेट अस्पताल से आगे निकल चुका है। आज रोगी कल्याण समिति के बैठक में बोलते हुए विधायक सचिन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में जिले ही नहीं प्रदेश में अव्वल नंबर पर है और जल्द ही कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा, जिसका प्रारूप बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि कसरावद क्षेत्र की जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस अवसर पर कसरावद SDM संघ प्रिय, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश पाटीदार, भूतपूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर शिरीष जायसवाल, अनिल यादव, ओम प्रकाश पाटीदार, दिनेश पाटीदार, निजाम बाबा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, निश्चित ही फिर मैं बताना चाहूँगा कि कोविड में जिस हिसाब से आपने काम किया है, कसरावद को मेडिकल में 20 साल आगे पहुँचा दिया, लेकिन अभी भी लोग आपकी और कुछ निगाहें उठी हुई है कि और क्या सौगात मिलने वाली है, और काफ़ी समय से महिला डॉक्टर्स की भी बात चल रही थी, तो आज की मीटिंग से क्या निकल गया, क्या सौगात मिल रही है? देखिए, हम लोग हमारे तमाम साथी हम लोग ये कोशिश और प्रयास है कि हमारे कसरावद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल पाए। हमने आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश की पहली ऐसी तहसील है, पहला ऐसा CHC सेंटर है जहां पर 10 बेडेड ICU का निर्माण हमें सभी साथियों के प्रयासों से हम लोगों ने मिलकर के करा है। पूरे जिले में सबसे पहले अगर ऑक्सीजन प्लांट अगर कहीं स्थापित करने का काम किया गया था तो कसरावद विधानसभा में किया गया था। तो ये हमारी कोशिश और ये प्रयास लगातार हमारे बने हुए हैं, और आज हम तमाम साथी जो है हमारा एक डिजिटल एक्सरे मशीन हम सब साथियों ने तय किया था कि हमारे कसरावद में यहाँ पर होना चाहिए, तो आज डिजिटल एक्सरे मशीन का हम लोग आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ में एक CR मशीन उसमें लगती है, जिसमें तत्काल जो है डिजिटल एक्सरे की रिपोर्ट जो है हमारे जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनको मिल सके, और तमाम तरह की जाँचों की व्यवस्थाएँ हमने यहाँ पर स्थापित करी, चाहे वो CBC हो, चाहे लीड एंकर हो, चाहे टोटल ब्लड काउंट हो, इस तरह की तमाम जो है सुविधाएं जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को उपलब्ध होती हैं, आज हम हमारे कसरावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो सारी सुविधाएं जो है हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं, और साथ ही साथ कैसे और हमारे इस हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को और हम लोग कैसे विस्तार कर सकें। अभी हम लोगों ने जो हमारा कसरावद का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने राज्य शासन को एक प्रस्ताव बना करके भेजा है, और इस तरह की तमाम जो है प्रयास हमारे कसरावद के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले, ये हमारे तमाम सभी साथियों की कोशिश और प्रयास है। सर, इसमें महिला डॉक्टर और अन्य डॉक्टरों की कोई सुविधा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से लगातार हम और हमारे तमाम साथी जो है प्रयासरत कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के मापदंड है जिसमें रेगुलर भर्तियां हो रही हैं, लेकिन रेगुलर पद स्वीकृत है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन उन रेगुलर पदों पर नियुक्तियां जो है नहीं हो पा रही है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। इसके बावजूद हम लोग जो है अन्य जो प्राइवेट क्षेत्र में जो लोग डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे हमारा लगातार हमारे संवाद हमारा स्थापित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।